नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। आइए रुक करते हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश दौरा आज, अयोध्या संत कबीर नगर में रहेंगे शामिल। बरेली में भी गृह मंत्री अमित शाह का आज कार्यक्रम, जनविश्वास यात्रा में होंगे शामिल। 3:30 बजे बरेली में रोड शो करेंगे। 5:00 बजे पटेल चौक बरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज लखनऊ, कानपुर देहात और रायबरेली में कार्यक्रम। आशा बहुओं के सम्मेलन में होंगे शामिल। 12:00 बजे कानपुर देहात पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। बीजेपी जनविश्वास यात्रा जनसभा भी करेंगे संबोधित। रनिया के अकबरपुर में जनसभा संबोधित करेंगे। 2:00 बजे रायबरेली पहुंचेंगे। विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। दिल्ली के कई अस्पतालों में कल हड़ताल का ऐलान। सभी जरूरी और गैर जरूरी मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी। कल अस्पतालों में 9:00 बजे से हड़ताल का ऐलान। रेजिडेंट डॉक्टर्स नीट पीजी काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस पर FIR की भी कर रहे हैं मांग। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा आज। अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में करेंगे प्रेसवार्ता। 12:30 बजे अखिलेश यादव करेंगे प्रेसवार्ता। सदर कोतवाली के पार्टी कार्यालय में होगी प्रेसवार्ता। BSP महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का बांदा दौरा आज। BSP की विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। 1:00 बजे हिंदू कॉलेज नरैनी में जनसभा। ED ने तेजस्वी यादव का पासपोर्ट लौटाया, पर विदेश में हनीमून मनाने के लिए करना पड़ेगा इंतजार। IRCTC घोटाले मामले में ED ने तेजस्वी यादव का पासपोर्ट जब्त किया था। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ये मामला चल रहा है। तेजस्वी ने विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की मांग की थी। ITR भरने का आज आखिरी मौका। इसे भरने के लिए अंतिम तिथि को 2 बार बढ़ाने के बाद 31 दिसंबर निर्धारित किया गया था, जो सीमा आज समाप्त हो रही है। लखनऊ में डालीगंज पुल पर युवक ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या। मृतक युवक भादुआ का निवासी था। आधार कार्ड से पुलिस ने की पहचान। पुलिस ने मृतक के परिजनों को दी सूचना। लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र का है मामला। प्रयागराज में हुई गोलीबारी मामले में कार्रवाई। चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित। 3 पर घटना में लापरवाही बरतने का आरोप। कीर्तगंज में आज बीच वाली सड़क से भार्गव बूथ जो रोड जाती है, इस पे विनोद चाट के सामने ये 3 लोगों के ऊपर फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें एक के पैर में लगी हुई है, एक कंधे में लगी है और एक जो राजन है उनके पीठ में लगी है और आँख के पास भी लगी हुई गोली है। घटना के पीछे जो अभी जानकारी इनसे पूछताछ विस्तृत हुई है, तो कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड में कोई जमीन का या पैसे का कोई लेन देन का कोई विवाद नहीं है। एक बिमलेश पांडे जो आरोपी है, इसमें अभियुक्त है, वो उसके बताया जा रहा है कि जब से वो निलंबित है, लगभग 2-3 महीने से यहीं काफ़ी बैठता था। सामने कोई लाली है जो एक मकान है जिसके मालिक श्री सतना में रहते हैं, यहाँ रहते ही नहीं है काफ़ी दिन से। तो लाली के पिताजी को वो किराए पर दिया गया था, तब से फिर लाली उसमें रहने लगा था। लाली ने ही बाद में कुछ वकीलों को उसमें रखवा लिया था। तो मकान का और मकान मालिक के बीच का कोई टसल तो खैर नहीं आया प्रकाश में, लेकिन लाली की वहाँ पर शरारती थी कि वहाँ पर जो है एंटी सोशल एलिमेंट को बैठाना शुरू किया था, जिसमें बिमलेश करसना का रहने वाला है और ये आबकारी विभाग में कांस्टेबल है, बनारस में पोस्ट है। वहाँ भी किसी महिला कांस्टेबल के साथ बातचीत में इसका ऑडियो खराब जारी हुआ था, उसी पर ये निलंबित चल रहा है बनारस से पिछले 3 महीने से। और ये भी बताया गया कि वो करछना में जो इसके असलहे थे पहले, वो वहाँ भी उसके खिलाफ़ एक मुकदमा था जिस पर वो निलंबित हो गए हैं। 3 असलहे वो जमा है वहाँ पर और इसका यहाँ पर बैठना उठना हो गया था। यद्यपि यहाँ किराए पर रहता है, पीछे एक जगह मकान किराए पर रहा था जहाँ देखा गया, और लेकिन सामने लाली के यहाँ बैठना होता था। वजह भी सामने बैठ करके सिर्फ कहा सुनी और थोड़ी दबंगई दिखाना, इसी बात को लेकर के ही आज भी इनके बीच की कहासुनी शुरू हुई है और फिर फायरिंग किया इसने। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।